ये दूसरी मशीन है जिसका नाम क्या है, रेडियल रीडिंग मशीन। इसका नाम रेडियल है, उस मशीन से देखने में भी ये बिग साइज है। तो बिग साइज होने का पर्पस क्या होता है कि इससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। जहां हम 12 mm तक ड्रिल लगा सकते थे उस मशीन पर, इस मशीन से हम 12 mm से ऊपर लगभग जो है 50 mm, 100 mm, 150 mm वो इस मशीन के द्वारा हम ड्रिल कर सकते हैं। और इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा उससे हट करके है। इसके अंदर जो हमारा ये बूम है, इसका ये देखो, ये इस पिलर के ऊपर ये बूम है, नीचे ये बेस है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर उसी तरह वाइस है, एक वाइस ये है, ये सिंपल वाइस है, और ये जो है एंगल वाइस है। इसके अंदर जो है हम जॉब को डिफरेंट एंगल के ऊपर फिट करके उसके अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं। एज ए एग्जांपल मान लो आपको 15 डिग्री में एंगल करना है, तो हम इन दो बोल्ट्स को, दिस बोल्ट एंड दिस बोल्ट, इनको लूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरी वाइस को उतना एंगल जो इसके ऊपर डिग्री कटी हुई है उतने एंगल में उसको टर्न करके टाइट कर देंगे, और उसके बाद जब जॉब को हम फिक्स करेंगे तो वो ड्रिल सीधा उतने ही एंगल में वर्क करेगा, राइट। तो ये हो गया इसमें। और ये जो बूम है इसका, ये भी 360 डिग्री चारों तरफ जो है वर्क करता है, अर्थात इसमें जॉब जो है इस मशीन के कहीं भी आप फिक्स पड़ी हो तो वहां जाकर के ये ऑपरेशन कर सकती है, नंबर एक। और नंबर दो, इसमें क्या हो रहा है बेनिफिट, ये अप डाउन, ये देखो इसकी कैपेसिटी जो है वो आपने सुननी है, और इसकी हाइट भी हम ऊपर नीचे किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। जैसी हमारी जॉब हो उसके अनुकूल हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इसका जो ये आपका ड्रिल है, ये ड्रिल है जैसे एज एग्जांपल, तो ये ड्रिल जो है ये वहां बताया था 12 mm, उससे ऊपर के जितने भी ड्रिल है वो टेपर शैंक में होते हैं। कैसे होते हैं टेपर शैंक, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखो, ये है टेपर शैंक, इसकी जो शैंक है वो टेपर में है, और ये इसका बिग साइज है, ये 42 है, 1.5 इंच इसका साइज है, तो 42 mm है। तो ये इस प्रकार से इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 इंच तक जो है हम इसको ड्रिल कर सकते हैं। तो एज एग्जांपल हम जो है ये जॉब एक वुडन पीस लेते हैं और इसकी जो हाइट है ऐसे इसको फिट करते हैं, और इसके आर पार हम इस ड्रिल को करेंगे, तो हम 4 इंच इसके अंदर डीप ड्रिल करेंगे। कहां कहां इसकी सेटिंग है वो आप देखेंगे। इसका जो ड्रिल का शैंक है ये देखो, ये एडजस्टेबल है, पूरी इस बूम के ऊपर ये राइट लेफ्ट जहां भी जॉब फिक्स है वहां इसको इजीली हम ले जा सकते हैं। ये देखो, अब जॉब हमारा यहाँ है, वाइस के अंदर है, तो हम इसको बूम को लूज करेंगे, और हमने मान लो इस कॉर्नर से 1 इंच मतलब 25 mm गैप छोड़ करके, यहां से डिफरेंट कॉर्नर से 25 mm हमने गैप छोड़ करके ड्रिल करने का प्रोग्राम बनाया, तो हमने यहीं पर इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स किया, इसके बाद इसको भी इधर फिक्स किया ताकि हमारा फुल फिट हो जाए। इसके बाद यहाँ एक और लॉक है, यहाँ फिक्स किया, ये 3 लॉक करने के बाद तब जाकर के हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, ये सर। और उससे पहले एक बात और ध्यान देने की है कि जॉब मैंने उस समय आपको सिर्फ इसमें रखते हुए दिखाया था, हालांकि इसको पूरा टाइट करते हैं, ये देखो
जब तक पूरा टाइट नहीं होगा तो जॉब जो है वो खुल सकती है। तो ये वॉइस में अच्छे से ये टाइट हो गया। 1 2 3 चलो, तो अब हम शुरू करेंगे ऑपरेशन। तो लगभग जो है, जो हमने 1 इंच की बात की थी, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कम है, तो हम इसको और थोड़ा परे ले जाएंगे कॉर्नर से हटके यहाँ। तो ये आपका ऑपरेशन शुरू हो गया। ये लीवर है, जो फीड लीवर है, जिसको आप प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये धीरे धीरे आप प्रेस कर रहे हैं। और जो ड्रिल है वो, उसका जो कटिंग मार्जिन फ्लूट वो सब काम कर रहे हैं। जो 59 एंगल का जो आपका ड्रिल का कटिंग है वो ये काम कर रहा है, मटेरियल को रिमूव कर रहा है। और फ्लूट्स के द्वारा जो भी मटेरियल इसमें से कटिंग हो रहा है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और मशीन की मोटर के द्वारा जो है इसका स्पिंडल वो वर्क कर रहा है। और इस मशीन में अपना क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक दोनों ही रेगुलेशन यूज किए जा सकते हैं। इस समय हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं। और इसमें एक और बात ध्यान देने की है कि डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि कितनी स्पीड स्पिंडल की रखनी है। यदि मटेरियल सॉफ्ट है तो आपको स्पीड मैक्सिमम रख सकते हैं। यदि मटेरियल जो है वो हार्ड है, मान लो यहाँ अभी इसकी जगह कास्ट आयरन का होता, तो हम फिर जरूर सोचते कि इससे हम अगर कम स्पीड रखें तो वो बेटर रहेगा। एक बार हम इसको बाहर इसलिए निकालते हैं कि कुछ मटेरियल अगर इसमें फंसा है वो इसके फ्लूट से बाहर गिर जाए। लगभग 40 mm के करीब हो चुका है, अभी हमें 100 mm करना। तो ऐसे ही हम जो भी जॉब किसी भी मटेरियल की हो, उसके अंदर कोई भी साइज का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हम ऑपरेशन ड्रिलिंग करके उसको पूरा कर सकते हैं। प्रॉपर इसमें जो सावधानी की बात है कि प्रॉपर स्पिंडल के अंदर जो है ये टेपर शैक के माध्यम से ड्रिल को पकड़ा जाता है। अभी हम आपको बीच में रोक करके बताते हैं। ये ड्रिल जो है अकेला काम नहीं करता, डिपेंड करता है इसके ऊपर ये टेपर शैक सॉकेट लगी होती है, उसके माध्यम से इसका वर्क होता है। तो ये सॉकेट जो है डिपेंड करता है कि आपकी ड्रिल साइज क्या है। मान लो 14 mm है तो इससे आपको एक और छोटा नंबर का सॉकेट लेना होगा। तो ये एक दूसरे में फिक्स होकर के इसके अंदर स्पिंडल के अंदर भी इंटरनल टेपर होती है, जिसके माध्यम से ये इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं ये फिक्स है, ये देखो। अभी आप दिखाते हैं कि कैसे इसको, ये देखो, ये अंदर इसके अंदर शैंक है, टेपर शैंक सॉकेट। अब ये दोबारा इसको हम, ये तो टेपर ऑपरेशन का पर्पज ही है कि इजिली ये फिक्स हो जाए और इजिली रिमूव हो जाए। तो अब इसको वापस वहीं लेके आते हैं जहां ऑपरेशन चल रहा था। यहाँ इसको फिर अगेन लॉक कर देते हैं और करते हैं स्टार्ट। लगभग 80% जो है इस प्रकार से हम इसका ऑपरेशन